नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे योजना के बारे में जिसकी जानकारी मिलने के बाद SC ST वर्ग के लोगों को उद्योग शुरू करने में सहायता होगी। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के बारे में। बिहार सरकार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में आने वाले लोगों को उद्योग धंधे और स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, जिससे SC ST में आने वाले लोग खुद भी उद्योग के जरिए कमा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने की राह आसान होगी। इस योजना के तहत सरकार उद्योग लगाने वाले इच्छुक SC ST के लोगों को 10 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है। इसके लिए बिहार सरकार ने साल 2018 में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना को शुरू किया था। इस योजना से SC ST समुदाय के युवा युवतियाँ खुद तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना इस समुदाय के इंटरमीडिएट पास युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए चलाई जा रही योजना है। योजना के तहत लाभार्थी को 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी, जिसमें से 5 लाख रुपए की राशि विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलेगी, जिसे उन्हें 84 किस्तों में अदा करना होगा। अब इस योजना के बारे में हम विस्तार से जानने के साथ ही इसके लाभ के बारे में भी बात करते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार SC ST लाभार्थियों को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन 10 लाख रुपए में से 5 लाख सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और बाकी के 5 लाख रुपए अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों को लोन के रूप में दिए जाएंगे। खास बात तो यह है कि इस लोन की राशि पर कोई भी ब्याज शुल्क नहीं होगा, मतलब है कि 5 लाख का लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। इसके अलावा राज्य सरकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण पुनर्भुगतान सुविधा भी प्रदान करेगी। इस सुविधा के अनुसार उद्यमियों को 84 बराबर किस्तों में ऋण का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि ये पुनर्भुगतान किस्त आपके द्वारा प्रस्तावित उद्योग या व्यापार शुरू होने के बाद से ही शुरू होगा। राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। अब इस लोन को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा पर दिया जाएगा। SC ST उद्यमी योजना के लिए पात्रता के बारे में जानते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार का निवासी होने के साथ ही SC ST वर्ग का होना जरूरी है, तभी लाभ उठा सकते हैं। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम इंटर पास, ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री से पास होना चाहिए। इसके लिए उनकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही वे जो भी उद्योग लगाना चाह रहे हैं वो किसी भी प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस योजना का लाभ पाने में आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और संस्था रजिस्टर्ड होने के प्रमाण पत्र भी लगेंगे। अब हम मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट के लिए उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने इसका होम पेज खुलकर आ जाएगा, जहां आपको रजिस्टर्ड करने का लिंक देखने को मिलेगा। रजिस्टर्ड के लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगी। फॉर्म में आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन टाइप, आधार संख्या इत्यादि की जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आप OTP प्राप्त करने के लिए बटन पर क्लिक करें और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। अब आप यहां पर अपना OTP दर्ज करेंगे और सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड कर आवेदन को आगे बढ़ाएंगे। आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले अपने द्वारा भरी गई सभी जानकारी को एक बार चेक जरूर कर लें। अब आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपका आवेदन बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी सहायता योजना के अंतर्गत हो जाएगा। जिसके बाद जब आपके आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे, तब समिति 15 दिनों में इसकी जाँच करेगी। फिर उसे संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को भौतिक सत्यापन के लिए भेजा जाएगा, जहाँ जाँच कार्य पूरा होने के बाद चुने गए आवेदकों को तय संस्थानों में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। फिर उनके प्रोजेक्ट की DPR के हिसाब से समिति उन्हें पहली किस्त की राशि देगी और कुल 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये थी बिहार सरकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के बारे में वो सारी जानकारी जो आपके लिए मददगार साबित होने वाली है। इसी के साथ हम अपनी सीरीज में एक नई योजना के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस योजना के बारे में आगे जानना चाहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।